महागठबंधन सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार जनता के दरबार में हैं और जनता दरबार के बाहर हम खड़े हैं। यहाँ पर ऑनलाइन की हालांकि प्रक्रिया है, लेकिन कुछ ऐसे फरियादी यहाँ पर आए हैं जो अलग अलग मामलों को लेकर के यहाँ पर पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग जो है अपनी समस्या को लेकर के पहुँचे हैं। आप कहाँ से हैं? बखरी से, सकरपुरा। क्या मामला है, क्या दिक्कत है? खेत का भी मामला है बाबू। क्या हुआ खेत को? खेत का है जे बाप दादा खेत है, रसीद कबाला रसीद सब है। और सरकार कहा कि सीओ साहब अलौली क्या इसमें थाना बनेगा, तो हमारे कौन उपाय? यहाँ है नीतीश कुमार से मिलने। क्या हुआ, मिलने हैं? ना जाइए न दे छथिन। काहे न जा दे छथिन? अब हे जानथिन प्रशासन नहीं जाल दे छथिन। क्या बोल रहे हैं? कितना दूरी से लिए बेटा, नहीं जाने देगा। क्या बोल रहे हैं? ऑनलाइन करिए, नहीं जाने देगा। हाँ, हाँ। गरीब का कोई उपाय नहीं, पुत्र के बेटी रहिए, बाप दादा खेत छी, रसीदो छै, कबालो छै, अरिया चौधरी सब छै। वोट देलो नीतीश कुमार के? हाँ, वोट नीतीश कुमार के देलिए न त लालू के देलू? ना, नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार के? हाँ, फेर दबा नीतीशे कुमार के, फिर तब नीतीशे कुमार का। हाँ चलो, और लोग है। आप, आपका क्या मामला है चाची? जमीन का है। आपका भी जमीन का है? हाँ। क्या हुआ जमीन को, कौन ले लिया जमीन? जमीन दूसरा को ले लिया है, पूरा जो एकता है, एकता है लूट पुट के खा रहा है, कब्जा लिया है। कब्जा लिया है जमीन? हाँ। कितना जमीन है? 1575 बीघा भावली है। 1575 बीघा भावली है। हाँ, टू में बिहार सरकार है। उनमें ब्रिटिश कब्जा कब्जा किया है, इसमें नाम लिखा हुआ है ना, गोरेलाल। नीतीश कुमार का बोलेंगे जमीन छुड़वा दीजिए। अभी कोर्ट से नकल नहीं मिला है, कोर्ट पर मामला चल रहा है, नया जज साहेब है। हाँ, कहाँ से आए हैं? नवादा जिला से। नवादा नीतीश कुमार के जिला से? नहीं, नवादा जिला से आए हैं। नवादा से? हाँ। आपका क्या मामला? हमारा घर का इंदिरा आवास। हाँ, विनोद यादव मेरा नाम है। इंदिरा आवास के लिए दिया था इंदिरा आवास, आज 5 साल से नहीं कर रहा है। बड़ लोग के इंदिरा आवास दे रहा है और छोट लोग के नहीं दे रहा है, जबकि उसका अथी भी लगा रहे हैं, कागज भी देखिए कि जो है कि इन लोग के जिसको यहाँ नौकरी है, टेम्पू है, जमीन है, वही लोग के देता है। जब लोक शिकायत में पास किया गया था, उसमें राजीव कुमार की वीडियो था, वो पास करके चले गए। संजीव कुमार वीडियो पास करके चले गए। नया वीडियो आया है सुनील कुमार चांद, जो रेकट से हटाकर कुल बड़े लोग के दे रहा है। नहीं नहीं, जनता दरबार में आए तो लगता है जनता दरबार नहीं है, ये झूठा दरबार लग रहा है। तो यहाँ पर अलग अलग तरह के फरियादी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, क्या है यहाँ पर, क्या आप कहाँ से आए हैं? सहरसा जिला से। क्या मामला है? पापा को मार दिया। पापा को मार दिया तो यहाँ पर आए हैं, ऑनलाइन का प्रक्रिया है क्या मिलने? हाँ हाँ, सब मांगने आया, फिर भी धमकी दे रहा है मार देंगे। कौन मार दिया पापा को? विजय हांडी, आकाश हांडी और रंजीत हांडी, विकास हांडी, निर्बल हांडी, संतोष हांडी मार दिया। फिर भी तो पूजा कुमारी लड़की भी है, मेरा मौसी भी है, फिर भी धमकी दे रहा है मार देंगे, घर से भगा देता है। कारी देवी भी बोल रहा है, मेरा मोहल्ला का आधा आधी लोग सब बोल रहा है इसको टोले से भगा देते हैं। झुंड बन के निकलता है मारने के लिए, झुंड बन के निकलता है मारने के लिए, ऐसा क्यों हरकत करता है? ऐसे ये नहीं रहेगा जिंदा, नहीं केस लड़ेगा तो। हाँ, 10 तारीख के दिए है, देखो 22 तक दे रहे हैं आवेदन, कोई सुनवाई नहीं ले रहा है, बोल रहा है बार बार बोलता है हम जाएंगे लाठी लेके वहाँ बैठेंगे तुम्हारा घर पे। सब तस्वीर बना कर क्यों मार दिया पापा को? यही दुश्मनी से जमीन और का मामला था, घर और का मामला था, ठेकेदारी का काम करता था। यहाँ आई है, यहाँ कैसे मिलते हो? यहाँ तो नहीं जाने दे रहा, नहीं जाने दे रहा है, बोल रहा है बाद में आइए। हम ऑनलाइन भी करा चुके हैं, बोल रहा है अभी नहीं मिलिएगा, आपका मोबाइल में मैसेज खसेगा तब मिलिएगा।
तो आप देख सकते हैं ये जनता दरबार यहाँ पर चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी जनता के दरबार में है, फरियादियों की फरियाद सुने, लेकिन यहाँ जो आने का प्रक्रिया है वो ऑनलाइन सेवा है। जो ऑनलाइन करके आते हैं, जो वेरीफाइड व्यक्ति होते हैं, उन्हीं को अंदर जाने दिया जाता है, लेकिन फिर भी अलग अलग समस्याओं को लेकर के यहाँ लोग पहुँच जाते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार में कितनी समस्या है, कितने लोगों को परेशानी है। किसी का ज़मीन का मामला है, तो कोई मर्डर का मामला है, तो कोई बलात्कार का मामला है, तो अन्य अन्य मामलों को लेकर के यहाँ पर फरियादी पहुँचते हैं, काफ़ी उम्मीद के साथ पहुँचते हैं, लेकिन लौट करके जब जाते हैं तो उनके दिल पर क्या बीतती होगी। एक आम इंसान जिसकी फरियाद न कहीं अधिकारी सुनते हैं, न कोई सरकार सुनता है, लेकिन हम लोग लगातार ऐसी आवाज़ों को उठाते रहते हैं। आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दर्ज करें। धन्यवाद।